हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गार्लैंड ऑफ द शो। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्टमाइज्ड मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करवाने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि 21st सेंचुरी में मॉड्यूलर किचन बहुत ट्रेंड में है, एंड ऑफकोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में जब हमने बहुत सारा वक्त घर पर बिताया, तो हमारी मॉम्स ने, हम सब ने घर पे खाना बनाया, एंड देन वी रियलाइज कि यार अच्छा किचन होना कितना ज़रूरी है। मॉड्यूलर किचन इसलिए भी ट्रेंड में है क्योंकि मॉड्यूलर किचन बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक इंडियन लेडी के हिसाब से, जो उस किचन में काम करने वाला है, तो उसके लिए तो लगता है ओके वाओ, मॉड्यूलर किचन इज़ द बेस्ट। बट मॉड्यूलर किचन यू नो जब आया मार्केट में, बहुत से मॉडल्स जो हैं वो फेल हुए, क्योंकि जो रेडीमेड मिलती है उसको वो परफेक्टली स्पेस पे फिट नहीं होती। एंड देन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें तो मॉड्यूलर किचन कस्टमाइज़ कराना चाहिए। एंड अच्छा हुआ ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ हुई, क्योंकि हर किसी के लिए ना किचन अलग है, हर किसी के लिए किचन में जो चीज़ें हैं वो अलग है। किसी के लिए स्टोरेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए कैबिनेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो हम एक यू नो यूनिवर्सल डिज़ाइन हर किसी पे पुट नहीं कर सकते। एंड आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, एंड आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले। और साथ ही साथ यू नो कि मॉड्यूलर किचन अगर आपके थीम, आपके घर का जो इंटीरियर है, किचन के आसपास की जो चीज़ें हैं, उससे भी अगर मैच ना होता हो, तो वो वैसे तो पिक्चर में सही रहेगा और आपने कहीं देखा वो डिज़ाइन अच्छा लगा, बट जब उसको प्लेस करेंगे वो ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि एक प्रॉपर थीम होनी चाहिए, एक प्रॉपर थीम बनानी पड़ती है कि एक पूरा सेटअप अच्छा लगे। ओके, सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मॉड्यूलर किचन कस्टमाइज़ कराने के क्या एडवांटेज है। मैं बेसिकली आज सिर्फ 2 पॉइंट पिक कर रही हूँ। जो पहला एडवांटेज है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप किचन कस्टमाइज़ कराते हो तो आपको हाई स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है एज़ पर योर नीड, यानी कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि आप कस्टमाइज़ करा रहे हो तो आप डिज़ाइनर को आप बता सकते हो कि हमें ये इतना हमें स्टोरेज चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए। आपकी जो भी नीड है उस अकॉर्डिंग आप यू नो स्टोरेज कम ज़्यादा करा सकते हो, क्योंकि हर किसी के घर में फैमिली मेम्बर किसी के घर में कम होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है, यू नो अलग नीड, अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं, आपके घर में, आपके फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना किचन की स्टोरेज, किचन का पूरा सेटअप यू नो डिज़ाइन करा सकते हो। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग नहीं रह रहे तो अब पूरा स्टोरेज वाला लेकर क्या करोगे, इतना स्टोरेज। मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जो मॉड्यूलर किचन है उसमें बहुत से स्पेस बस ऐसे ही खाली जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट एज़ पर योर नीड आप अपने स्पेस को, आप अपने कैबिन्स को इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो, सो बेस्ट थिंग। एंड सेकेंड पॉइंट, आप अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग एज़ पर योर नीड आप और भी फैसिलिटीज़ अपने मॉड्यूलर किचन में ऐड करा सकते हो। क्योंकि इमेजिन यू नो आपकी होम अप्लाइंस है, फ्रिज है, एंड ब्रेकफास्ट काउंटर है, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे किचन के आसपास का इंटीरियर है, किचन के आसपास की चीज़ें हैं, जब आप कस्टमाइज़ कराते हो तो ऑब्वियसली डिज़ाइनर आता है, वो सब चीज़ों को देखता है, एंड वो इस तरीके से थीम क्रिएट करता है, कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से यूज़ करता है कि एक प्रॉपर थीम बन जाती है। जैसे हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं तो वो पिंटरेस्ट पे अच्छा लगता है, तो वो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सिर्फ वो मॉड्यूलर किचन नहीं अच्छा लग रहा, वो मॉड्यूलर किचन जो सेटअप है, एक थीम फॉलो किया गया है और उसके आसपास की चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो वो थीम, वो एम्बियंस पूरा क्रिएट हो सकता है अगर आप कस्टमाइज़ कराते हो मॉड्यूलर किचन। एंड थीम बेस्ड डिज़ाइन कराने से ऑब्वियसली आपका जो इंटीरियर लुक है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है, काफ़ी कूल, काफ़ी एस्थेटिक लुक आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब अगर आप मार्केट से आप रेडीमेड अगर परचेस करते हो तो ऑब्वियसली इतना नहीं लुक देगा, क्योंकि हर किसी के घर में अलग साइज़ का रेफ्रिजरेटर होता है, जार, कंटेनर,
यूटेंसिल्स, ओवन, बहुत सी मतलब चीज़ें हैं, किसी के लिए वो किसी के घर में वो होती है, किसी के घर में वो नहीं होती है। तो जिसके घर में वो है तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो कस्टमाइज़ करा रहा है तो उस पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उनके लिए भी कुछ डेडिकेटेड स्पेस, डेडिकेटेड कॉर्नर यू नो डिज़ाइन करा सके, और अपने यूटेंसिल्स के हिसाब से, अपने कंटेनर, अपने जार के हिसाब से स्टोरेज को कम ज़्यादा करा सके। तो ये अच्छी चीज़ है, आपके हाथ में है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग आप डिज़ाइनर को बता के आराम से कस्टमाइज़ करा सकते हो। एंड ऑफ़ कोर्स कि इन सब चीज़ों के बाद आप हैप्पी फील करोगे कि हाँ पैसा वसूल था ये, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर एक डायमेंशन के साथ वो चीज़ डिज़ाइन करी हुई है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्सो बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका कोई फेवरेट कलर होता है, जिनका कोई फेवरेट यू नो थीम होता है, तो वो हमें बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा चाहिए हमारा किचन। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि हम क्लाइंट को हेल्प कर पाते हैं कि उनकी जो प्रेफरेंस है, उनका जो फेवरेट कलर है, उनका जो कोई फेवरेट थीम है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए हम उनका जो किचन है उस तरीके से डिज़ाइन कराए, जो कि आप रेडीमेड परचेज करते हो उसमें तो आपको एज सच कोई ऑप्शन नहीं मिलता एंड वो इतना सेटिस्फाइंग भी नहीं होता। बट कस्टमाइज़ कराना हमेशा सेटिस्फाइंग होता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि उसमें आपकी नीड, आपके रिक्वायरमेंट, आपकी चॉइस, आपके लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ कस्टमाइज होगी तो वो क्यों नहीं अच्छी लगेगी। सो गाइस, और बाकी के टॉपिक्स और 4-5 पॉइंट में आने वाले वीडियो में कवर करूँगी। एंड आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड और भी किसी टॉपिक पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। हमें हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करें, आप चाहे तो हमारा वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं गैलेंट ऑफ इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।